सरकारी कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS का लाभ मिलता है। इसमें कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण ने CGHS लाभार्थी ID को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट ID से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने इसको लेकर निर्देश भी जारी किया है। सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से ये नियम लागू कर दिया है और 30 अप्रैल 2024 तक इसको लिंक करने का समय दिया गया है। आपको बता दें, ये एक तरह का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड होगा। इसको रजिस्टर करने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा लोग अपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल करके अपने डिजिटल हेल्थ कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो बेनिफिट जो मैं देखता हूँ कि इस तरीके से अगर सारा रिकॉर्ड एक ही जगह हमारा चला जाता है तो डॉक्टर्स के लिए भी बेनिफिट है इसमें, बजाय इसके कि हम CGHS कार्ड को भी देख रहे हैं। वो अगर कोई भी चीज़ अवेलेबल है, समटाइम्स हमारा कार्ड वगैरह जो है नहीं मिल रहा है, दाएं में पड़ा है, तो आधार कार्ड से अगर वो लिंक है तो हम उससे जाके हम अपना डायरेक्टली उसको उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक तरह से मतलब ये हमारे लिए काफ़ी सुविधा ही है इसमें, और इसको मैं सोचता हूँ कि अगर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। कैसे देख रहे हैं धीरे धीरे सारी चीजें जो हैं वो डिजिटल होती जा रही है, और अभी हेल्थ डिजिटल कार्ड जो एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, कि टाइम भी बचेगा, पेशेंट को भी ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा, डॉक्टर के लिए भी टाइम बचेगा। ये तो डेफिनेटली एक चीज हमारे लिए, डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो हमारा हेल्थ से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक जगह उसको क्लिक करेगा और उसको मिल जाएगा, तो उसको भी इजी रहेगा कि हम उसको मतलब कोई रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है, और मेडिसिन वगैरह भी वो उसी हिसाब से जो रिकॉर्डेड हैं उसी हिसाब से मिल सकती है हमें। केंद्र सरकार ने CGHS लाभार्थियों और आभा कार्ड को अब जोड़ने के निर्देश दिए हैं, यानी आपस में लिंक कराना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं एक CGHS डिस्पेंसरी पर हूँ और यहाँ पर भी आपको ये बोर्ड्स दिख जाएंगे कि बहुत ज्यादा जरूरी है इन्हें लिंक करना। अब ये समझना होगा कि इनको लिंक क्यों किया जा रहा है, इससे क्या होगा। तो मेरे हाथ में आप आधार कार्ड देख रहे हैं, तो जब आप आभा कार्ड बनवाते हैं तो वो बहुत इजी है, कोई भी बनवा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आपको अपनी आधार डिटेल्स देनी होगी, या ड्राइविंग लाइसेंस या नंबर। अब इसे समझना इस तरीके से होगा कि जैसे आप कहीं जाते हैं, दिल्ली से बाहर कहीं जाते हैं, या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसमें आपको अपना CGHS कार्ड नहीं पता है या आपको नंबर नहीं पता है, तो आधार कार्ड के जरिए से वो एक हेल्थ ID की तरह काम करेगा, एक हेल्थ कार्ड की तरह काम करेगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और डॉक्टर्स के लिए आसानी होगी।